कोई किसी को घसीट के लेकर जा रहा है? कौन किसको ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है और क्यों? ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? क्या हुआ मिस्टर शेरगिल? कुछ नहीं। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप सो जाइए। कौन था वो? इसे अरे बिच्छू ने बात तो सही बोली है, इसे हवा में उड़ा के भी नहीं लेके जा सकती हूँ मैं। किसी ने देख लिया तो घसीट के ले जाना पड़ेगा इस इंसानी चीज़ को। कम खाया कर समझी, हार्ट अटैक से मर जाएगी एक दिन। क्या हो गया साची ने तुझे? इसे घसीटते घसीटते तुझे बुद्धि भी घसीटती जा रही है। इतनी भारी है, लग रहा है जैसे मैं किसी टावर को घसीट के लेकर जा रही हूँ। चल मुट्टी, चल चल तुझे ठिकाने लगाती हूँ मैं। ये कैसी आवाज थी? किस चीज की गिरने की आवाज थी? और ये मोटंकी, ये क्या करवा दिया तूने मुझसे? उफ, तेरी तो लाश भी जान मार रही है। शुक्र है देर रात है, सब गहरी नींद सो रहे हैं, वरना अब तक आ चुके होते ना सब आवाज सुन के। चल मेरी मटंगी ठिकाने लगाती हूँ तुझे, आजा। आवाज कैसी है? किसी चीज की गिरने की आवाज थी। करे शैतान का सब सो रहे हैं। चल लाश की पुत्री, चल तुझे ठिकाने लगा दो। किस्मत है यहाँ तेरी भी, तेरा क्रियाकर्म मेरे हाथों हो रहा है। अरे फोन तो लाना ही भूल गई, फोन ले आती तो उसके टॉर्च लाइट यूज कर सकती थी। कितना अंधेरा है। ये तो किसी के पैरों की आवाज है। यहाँ कोई चल रहा है। जनी जरा हौले हौले चल, कोई सुन लेगा। कोई तो था यहाँ, मैंने यहाँ किसी की चलने की आवाज सुनी। हाँ मुझे भी लगा मैंने यहाँ किसी को देखा, जैसे कोई तो था यहाँ पर। मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखा, तुझे कोई दिखा वहाँ? आराम से। नहीं कोई नहीं। ये शैतान, ये दोनों भटकती आत्मा जब देखो एक साथ सुनते हुए आई जाती है। अजीब ही अजीब है, बहन तो है उस जंबो लावण्या की, पर जब देखो इस चूहिया पिए से ही चिपकी रहती है, उससे इतनी नफरत भी करती है। अब दोनों यहाँ से जाए तो मैं शांति से इस नौ मन की काया को ठिकाने लगाऊ ना। नीचे चल के देखे, चल चल आराम से। ये दोनों तो नीचे ही आ रही हैं। अरे अगर इस लाश के साथ मुझे देख लिया तो मेरा तो राज खुल जाएगा ना। इस बोझे का कुछ करना पड़ेगा, अभी कुछ करना पड़ेगा। Yeah.
कुछ भी नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। चलो अरे यहाँ बहुत अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, चलो चलते हैं। चल चल चल। हाँ चिपकलियों, यहाँ कोई नहीं है, आधी रात को यहाँ मत चिपको और जाओ यहाँ से। टॉर्च तो ऊपर ही रह गया है। चाकर लेकर आते हैं। हाँ से बहुत नींद आ रही है, बहुत अंधेरा है, कुछ दिख रहा भी तो नहीं है। हाँ दिख तो कुछ भी नहीं है, सुबह देखे ना। अरे हाँ हाँ कुछ नहीं दिखेगा, जाऊँ ना जाऊँ, यहाँ से जाते क्यों नहीं। ठीक है चल। संभाल रिहान, अंतिम संस्कार में बाधा मत डालो, अपने आप को बिस्तर में डालो, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जल्दी। ओए लाश की बच्ची, थोड़ी डाइटिंग शाइटिंग करती तो इतनी भारी तो नहीं होती तू, और अब तक तुझे आसानी से ठिकाने भी लगा चुकी थी मैं। क्या करूं क्या करूं, लंबा क्रियाक्रम किया और फिर से कोई आवाज हुई तो ये दोनों भटकती आत्माएं फिर आ जाएंगी मुझे ढूंढती हुई। नहीं नहीं तेतले में ये खतरा नहीं मोल ले सकती, यहीं की तेरी शॉर्टकट में ही ठिकाने लगा देती हूँ। अरे चिंता मत कर चिंता मत कर, तेरी लाश की कसम सुबह होने से पहले ना तेरा क्रियाक्रम कर दूंगी मैं। सुबह सब सो रहे होंगे, शेरगिल हाउस की ये दो चौकीदारियां, ये भी इतनी देर रात तक जागी है तो सुबह देर से उठेंगी, कोई नहीं देखेगा। तुझे खाना चूसना बहुत पसंद है ना, तो चल अब इस खाना घर में बैठ और ठूस ठूस के अपनी आत्मा को खिला। चल जा। टेंडर ठिकाने तो लगा दिया, परमानेंट कंसुले लगा दूंगी।